चाहे 2 रुपए का पेन है, चाहे सर 5 रुपए का है, चलेगा वो जब तब यहाँ पे कुछ होगा। जब मेरा माइंड ही ब्लैंक है तो पार करके अपना थोड़ा लिखेगा। पार करके पेन में कौन सा शकल का मुमुम की पेंसिल है जो अपने आप काम करती रहेगी? मतलब शकल का मुमुम में आता था सीरियल कि घर बना दिया ऐसे बने घर निकल के आ गया फटाफट से भाई, वो तो ऐसे कह दिया कि पार्कर का पेन है लिख देना, अपने मन में कुछ सोच देना वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। वो चीज नहीं होती प्रैक्टिकल में, उसको 8 अटेम्प्ट हो चुके हैं। अब वो जिसने पास होना है, प्रॉब्लम क्या है कि वीकनेस अपनी होती है। तो इट मीन्स लोगों ने पूरा विश्वास, गोलगप्पे की चटनी खा लो, उसका पानी पी लो, ये कर लो वो कर लो, इससे कृपा आती है। सर उन्होंने एक बार कह दिया था कि ब्लैक वॉलेट ले लो, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। सर पूरी मार्केट में ब्लैक वॉलेट की ब्लैक चल गई थी, पूरी मार्केट में ब्लैक वॉलेट ही नहीं मिला, सबने ब्लैक वॉलेट ले डाला, पता नहीं किस बार 1 लाख रुपए आ गया होगा। इट मीन सिंपल सी बात है यार, मैं ब्लैक वॉलेट लेकर घर में आ गया, कौन कैसे पैसा आएगा? जब कमाओगे तभी तो पैसा आएगा ना। तो वही बात है जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे टाइम पर तो कुरुक्षेत्र के माने से माने 30 मारखान पंडित ने बोल दिया था विवेक तेरी लाइफ में सीए है ही नहीं। और एक पंडित नहीं सर, कई पंडितों को कुंडली दिखाई गई थी। अब अगर मैं उनकी बात मानता है तो उनकी बात मान लेता ही अपनी बात मान लेता। मेरा तो ऑलवेज ये मानना है कि भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, माइंड दिया है। लोगों के पास तो सर हाथ पैर नहीं है तब आगे पहुंच गए, मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों नहीं कर सकता कुछ? ऑलवेज ये बात, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपके अंदर सब कुछ है, अब आप दूसरों को देख के चलोगे भी अच्छा, अब सुन के बताओ सर वो आपका करियर लिखेगा क्या? मतलब वो ये बताएगा तेरी लाइफ में क्या होने वाला है? अगर वही मुझे बताएगा पहले अपनी लाइफ, वो खुद चेक कर ले कि उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। इट मीन प्रॉब्लम क्या, कोई आपकी लाइफ लिखने वाला होता कौन है? और उसके बेस पर अगर आप जिंदगी जियोगे तो आप तो बंद गए ना उसके बाद। उसने बोला ये काम करना है, अच्छा प्रॉब्लम क्या है? देखो दो चीजें होती हैं, मैं नहीं कह रहा इसलिए मान, अगर आप इसी को मानते हो तो अगर नहीं मानोगे वहम आ जाता है मन में, और जहां वहम आ गया सबसे गंदा कीड़ा वो है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं उसकी बात मानता जैसे उसने बोला यहां पे ये जल चढ़ा के आना है, वो जो मेरी मम्मी डेली बोलती थी ये जल चढ़ा के आ, वहां ये करके आ, ये वो करके आ, मैं कहा भैया क्या करूं मैं भाई, इतने किलो ये सामान देकर इतने किलो, मैं कहा सारा घर का पैसा इसमें निकाल दोगे क्या भाई, जो बचा कुछ है भाई। सिंपल सी बात है कि आपको अगर विश्वास है तो दिल से विश्वास रखो, या तो मानो या तो फिर पूरा प्रोसेस करो। क्योंकि अगर नहीं क्लियर हुआ, अब नहीं जैसे मेरा फर्स्ट शॉट में निकलता गया, वो तो भगवान का शुक्र है कि फर्स्ट शॉट में निकलता गया, नहीं निकलता तो मदर के मन में डाउट क्या आता, पंडित ने कहा था, पंडित ने कहा था, अब देख ले। देखो मैं तभी कहती हूँ ना मान लिया अगर उनकी बात, वो तो भगवान का शुक्र है। इट मीन मैंने क्या कहा, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। मेरे मन में ट्रिगर क्या था, मेरे को तो ट्रिगर पॉइंट स्टार्टिंग से मिल गया था सीए करने का, कि मुझे गलत प्रूफ करना है। आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट ऑलवेज होना चाहिए कि किसको गलत प्रूफ करना है आपने। क्योंकि सबसे मजे लेने वाले जिंदगी में 2 ही लोग होते हैं सर, या तो रिलेटिव या कुछ दोस्त। रिलेटिव तो बहुत मजे लेते हैं, पूछते रहते हैं हाँ भाई सीएस बन गया, कब तक बनेगा? और जस्ट जिस दिन रिजल्ट आएगा ना सर, जिस दिन रिजल्ट आएगा फोन आना ही आना पक्का। जिस दिन पास होगा फिर सब लास्ट में आएगा, हाँ आएगा ही नहीं, वो सही बात है। आ भी जाएगा तो 1-2 दिन के बाद आ जाएगा, ओहो थोड़ी लेट हो गई थी हम कॉन्ग्रेचुलेशन करने में। और जिस दिन फेल हो गया कहीं ना कहीं से खबर तो फैल ही जाएगी। और जिस दिन फेल होगा उस दिन अरे कोई बात नहीं ये होता रहता, उसको 8 अटेम्प्ट लग गए थे, अब उसको 8 लग गए थे, उसको 4 लग गए थे। मैंने पहले भी कहा कि मेरे फादर हॉस्पिटल में थे, लोग डीमोटिवेट करने वाले कमाते हैं, जो ज्यादा मोटिवेट करने वाले कमाते हैं। अरे उसको भी डेंगू हो गया था, 8 दिन तो उठा ही नहीं, 9वें दिन जाके वीकनेस तो सर महीना खत्म नहीं होती। भाई नलायक एक बात मुझे बताओ, अगला बंदा वहां लेटा उसको मोटिवेट ही कर दो कम से कम। प्रॉब्लम क्या सर, मोटिवेट करने वालों की यार कमी ही है। आपकी नबज क्या है, बच्चों की नबज क्या पकड़ ली जाती है एग्जाम के टाइम में, इसको जितना डिमोटिवेट करोगे, बहुत सारे बच्चे इस टाइम डिमोटिवेट होते हैं, उनके मन में क्या चल रहा होगा, सर हमें कुछ याद नहीं आ रहा सर, हमें ना कई बार ऐसा लगता है कि हम भूल चुके हैं सारा। और दूसरा दोस्त क्या कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मोटिवेट थोड़ा करना है किसी को, डिमोटिवेट ही करना है ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है। अच्छा हम दोनों एक जैसे हैं, फिर अब दोनों डिमोटिवेट हो गए, अब क्या करें? प्रॉब्लम क्या सर, आपकी वीकनेस आपको खुद पहचाननी पड़ेगी कि आपको कौन मोटिवेट कर रहा है कौन डिमोटिवेट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या सर, इस टाइम पर आपका माइंड ऐसा है जैसे होता है ना हिप्नोटाइज कर लेते हैं किसी को। क्योंकि कल बच्चा नहीं आया मेरे पास, अभी एक लड़की आती थी पटेल नगर से, कल एक बच्ची से 1000 रुपये निकाल कर ले गया कोई पटेल नगर में। कल लास्ट ओल्ड वालों की मेरी लास्ट क्लास थी, तो वहां पर बच्चे लास्ट में थोड़ा बहुत मतलब वहां थे, तो बच्ची बाहर निकली, जैसे ही बच्ची बाहर निकली अपना कोई 3-4 लोग आए हुए थे, उसने बस ये ऐसे बोला कि तेरे पापा को ये हो जाएगा, तेरी मम्मी को ये हो जाएगा, ला पैसे लेने तो घर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो डर गई बेचारी, अब डर गई बेचारी तो अपना उसको कुछ कंट्रोल में कर लिया, 1000 रुपये निकाले और चले गए, और फिर अंदर रोती रोती आ गई। तो मैंने कहा आपने बताया क्यों नहीं सर, उन्होंने श्राप दे दिया था ये पापा। मैं कहा यार नालायक भाई, ऐसे किसके साथ जिंदगी चलती है क्या? मतलब भगवान ने इतनी पावर किसी को दे दी कि उसके कहने से ये हो जाएगा? जब जो होना है जिस टाइम होना है वो उस टाइम होना है।
तो मैं आपको ऑलवेज ये बात कहता हूं कि ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलोगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो आपके चाहे एग्जाम चाहे दिसंबर में है या कुछ भी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो इस टाइम एग्जाम आने वाले, दिसंबर वालों की बात करता हूं, जिनके दिसंबर वालों के एग्जाम आने वाले ना, अब ये डेढ़ महीना सबसे क्रूशियल है। जिसने पूरे साल नहीं पढ़ा वो डेढ़ महीना पढ़ लेगा फिर भी पास हो जाएगा, और जिसने के पूरे साल पढ़ा है वो डेढ़ महीना डिस्ट्रैक्ट हो गया ना, वो पूरे साल क्या मैं कह रहा हूं अगले आने वाले दो तीन अटेम्प्ट पास नहीं होता। सर पता क्या, हर अटेम्प्ट का भरोसा नहीं है पेपर कैसे आएंगे, क्योंकि कई बार जैसे मान लो ये अटेम्प्ट दिया, अब अगर मेरे इसमें 40 हैं आपको मैं लिख के देने को तैयार हूं, अगली बार 45 आएंगे, ये भी छोटी नहीं है। अगली बार लेवल क्या होगा किसको क्या पता। तो डेढ़ महीना आपने कैसे हैंडल कर रहे हैं आपके ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, सर आपके मोबाइल में दिखा दूंगा, आपके बहुत सारे ग्रुप के मेंबर होंगे, उसमें हजारों डेली बस पर मैसेज आते हैं, क्योंकि मेरे को भी ऐड किया हुआ है लोगों ने। अब मैं देखता हूं सारा सारा दिन बच्चे उस पर लगे रहते हैं, मैं कहता हूं यार पढ़ रही हो या तुम इस पर काम कलाकारियां कर रहे हो, कोई अमेंडमेंट आ गई उसमें बटा फटाफट, अच्छा ये अमेंडमेंट हमारे एग्जाम में आएगी, फिर बच्चा टीचर को, अच्छा ये सर आपने तो कराई नहीं अमेंडमेंट, ये काम करते रहोगे। मतलब जब आपको एक बात क्लियर है कि टीचर ने बता दिया कि यहां तक की अमेंडमेंट आनी है, तो किसी ने मार्केट में वह फैला दी उस बच्चे की, उसकी बच्चे की बात मान ली, टीचर तो बेकार ही है जी। तो प्रॉब्लम क्या, आपका माइंड किस तरह से काम करेगा आपके ऊपर बहुत बड़ी चीज है, कि आप डेढ़ महीना कैसे माइंड को कंट्रोल करते हो। आपने जो चीज पढ़ ली ना एग्जाम, आपका बैच खत्म हो गया, अब आपका मेन काम क्या है कि आपकी बुक्स और जो पढ़ा उसके ऊपर। इस टाइम नया कुछ आप कर नहीं सकते, नया उठाओगे तो मारे जाओगे, जहां सर डेढ़ महीने में नया उठाओगे मारे जाओगे, क्योंकि डेढ़ महीने में सिर्फ वही होगा जो आपने किया है उसको तीन बार। और जो बच्चा तीन रिविजन के बिना एग्जाम में जाता है, आज लिखवा ले कल लिखवाता हूं कल लिखवा ले, पास होने के चांसेस कम है। और जो बच्चा एक तीन बुक को, तीन ध्यान रखना सर, बहुत सारे बच्चे होंगे आप में से भी तीन तीन बुक लेके चलता है, वो भी आज लिखवा ले कल लिखवा ले, वो भी पास होने के चांसेस कम है। सर बुक एक लेके चलो, मैं ये नहीं कह रहा मेरी या किस चीज पर उसकी, बस जिसकी लेके चलो वो एक लेके चलो, क्योंकि प्रोविजन ऑलमोस्ट सब में सही होते हैं, कोई टीचर पागल तो है नहीं, प्रोविजन सब में सही। प्रॉब्लम पता क्या होती है, मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक बुक मैंने पढ़ी, जैसे मान लो मैंने स्कैनर दिया, आपने स्कैनर कर लिया एक बार कर लिया, अच्छा आपने वो कैसे किया होगा मेरे से पूछ लो, जो निकला आंसर देखा होगा फटाफट से करा होगा, एक बार स्कैनर कर लिया, बच्चा फिर मेरे पास आएगा, सर स्कैनर तो आपका हो गया आप कौन सी बुक करें, मैं कहा चलिए बुक ले ले, उसने वो बुक कर ली, आंसर देख देख के ऑडिट कर करके बुक कर ली, सर वो भी हो गई, अब कौन सी करें, सर हजारों बुक हैं, टोपर्स लाओ सामने लक्ष्मीनगर में जाकर उसको कह दो टैक्स की बुक दे दे या लो की बुक दे दे, वो आपको 10 बुक रख देगा, 10 की 10 कर लो, क्या पास हो रहा होगे, कोई गारंटी फिर भी नहीं है। आपने एक बुक को कितनी बार किया ये बहुत बड़ा मैटर है, सर हर बार कुछ नया पॉइंट निकलता है, हर बार कुछ नया पॉइंट पढ़ने को मिलता है। आपको क्या लगता है कि आपको पहली बार समझ में आ गया, पहली बार में फीलिंग आती है, जब तक आप एक ही बुक को चार बार नहीं पढ़ोगे ना पता लगेगा ही नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बुक पे ट्रस्ट करो, सर मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलता, मैं तो ऑलवेज अपने घर में ओपन बोलता हूं कि आप जिसकी बुक पढ़ रहे, मैं तो बच्चा कह रहा था कि सर इसकी बुक है डाउट ले सकते हो, मैं क्यों नहीं लूंगा भाई, जब मैंने पढ़ाया है तो किसी की बुक से पढ़ो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पास होना बनता है, बस पास होना बनता है, आपका करियर खराब ना हो, बट पढ़ो एक पर्सन की, चाहे वो मेरी पर ट्रस्ट करो चाहे किस पर करो, ट्रस्ट जरूर करो, क्योंकि सर मैंने भी जैन सर से कोचिंग ली, दुनिया ने बहुत कहा जैन सर की बुक में ये नहीं है वो नहीं है, अजम्पशन लेके 80 मार्क्स लेके पास हुए हैं, अगर ट्रस्ट ही ना करते दुनिया खत्म हो जाती। प्रॉब्लम क्या, आप ट्रस्ट कितना करो, उसको कितनी बार पढ़ रहे हो, क्योंकि सर वो भी इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर पागल तो होता नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आप पढ़ रहे हो किस मोटिव से पढ़ रहे हो ये बहुत बड़ा, कितना डिस्ट्रैक्ट कर हो रहे हो और जो लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनकी बातों में कितना आ रहे हो, क्योंकि यही चीज महीने, क्योंकि डेढ़ महीने के अंदर ना ये चीज बहुत काम करती है कि आपका माइंड कैसे कैसे काम कर रहा है, क्योंकि डेढ़ महीने में अगर माइंड कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जहां और कई जैसे मैंने कहा एग्जाम हॉल में जाते हो, अब एग्जाम हॉल में मेरा आज तक क्या था, आईपीसी फाइनल एग्जाम दिए हैं, हमेशा पेरेंट्स के साथ गया हूं, पेरेंट्स साथ ही वापस आया हूं, भाई दोस्तों से मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि दोस्तों ने बीच में करनी है 100 बातें, ट्रैवलिंग टाइम होता है आधे घंटे का, 100 बातें करेंगे, कल तूने ये पढ़ा कल तूने वो पढ़ा, अरे यार ये ना मेरे को समझ नहीं आ रहा था यार, बस समझा दे मेरे को यार, उन्हें कुछ नहीं करना, आधा घंटा दिमाग खराब करना है, और जहां अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था तूने छोड़ दिया, तू तो गया, आना पेपर में है नहीं कुछ धेले का कुछ, और आएगा भी नहीं, बट उसने एक माइंड में प्रेशर डाल दिया, तू तो गया, अब जहां प्रेशर हुआ जो याद था वही भूल गया, ले लो पंगे। और तो मेन क्या, आपने माइंड कैसे कंट्रोल करना है आपका, उसने कहा भी तूने किया, अरे नहीं किया, आएगा, अरे कोई बात देख लेंगे जब आएगा यार, क्या होगा 100 नंबर का आ जाएगा क्या, सीधा एक जवाब होना चाहिए 100 नंबर का आ जाएगा भाई, अगर 100 का आएगा फिर तो फेल होंगे, 5 का आएगा 95 मेरी है ना, 95 में से क्या 40 नहीं आएंगे क्या,
भाई इतना तो पढ़ा होगा ना। बच्चा कहता पेपर बाहर से आ गया सर, टीचर ने नहीं कराया। कितना? पूरा 100? पूरा 100? नहीं सर 20। 80 तो था, 80 तो था ना। 80 अगर अच्छे से अटेम्प्ट करता ना, 80 में से 70 नंबर लेने वाले भी लोग हैं। मेन क्या आपकी पॉजिटिवनेस क्या है, आप कितना पॉजिटिव सोचते हो। नेगेटिव में जाओगे, नेगेटिव में घुस जाओगे सर। नेगेटिव से पॉजिटिव आना बहुत बड़ा मैटर है, और इस टाइम लोग बहुत नेगेटिव हैं। मैं ऑलवेज ये बात कहता हूं, जैसे मैं सर हूं, मेरा मेरे को पता है अकाउंट्स के ऊपर। मान लो मैं देने के लिए गया, पूरा एक क्वेश्चन बाहर से था, अगर मैं उसको ब्लेम करता या जो आया उसको अप्रिशिएट करूं, जो अप्रिशिएट करूंगा ना, इट मीन जो आया कम से कम वो तो करूं। जो 20 का आया बाहर आके क्या करूंगा, मैक्सिमम क्या करोगे? टीचर को फोन मिलाओ, गाली निकाल दो ये। बट बीच में क्यों गाली निकाल रहे हो भाई, पेपर देते हुए ये नहीं कराया था, ये नहीं कराया, ये नहीं, यहां से बीच में बड़बड़ स्टार्ट कर देंगे एग्जाम के बीच में, क्या हो जाएगा उससे भाई? टीचर आराम से घर बैठा हुआ है, उसको पता लग रहा क्या बड़बड़ करते जा रहा हूं भाई। बड़बड़ ही करनी है, बाहर आके कर लो उसको, सर आपने कराया नहीं था, सर ये तो चीज गलत थी, बाहर आके बोल दो ना। एग्जाम में अपना करियर खुद खराब करते हैं बच्चे। सर बिलीव मी 70% बच्चे का फेलियर का रीजन वो खुद होता है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं वीकनेस बता रहा हूं जो मैंने 4 साल में ऑब्जर्व की है। बट दिक्कत यह है कि मैं बुरा क्यों बन जाता हूं, क्योंकि मैं रियलिटी बोल देता हूं, और जितनी जल्दी रियलिटी आप खुद पहचान लोगे आप उस टाइम पास हो जाओगे। तो मैं नहीं कह रहा कि हर टीचर ही सही है, ऐसा भी नहीं मैं कह रहा, ऐसा भी नहीं कह रहा। बट मैं कह रहा हूं कि अब जब आप एग्जाम में गए, 3 घंटे आपके पास है, उसमें आप क्या कर सकते हो? अपना बेस्ट दे सकते हो ना, अपना बेस्ट दो। एग्जामिनर सर पेपर बनाने वाला पागल नहीं है। 7% रिजल्ट क्यों है? 2 मिनट आपके बोलूंगा। 7% और 10% रिजल्ट क्यों है? क्या 90 बच्चा पढ़ता नहीं है? पढ़ता है। उसमें से 50% बच्चा बहुत पढ़ के जाता है, उसका माइंड खराब होता है उस 3 घंटे में, या 3 घंटे से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में। सर बाद में कैसे हो सकता है? सर एग्जाम तो दे दिया, बाद में ऐसे होता है कि जब क्वेश्चन मैच करते हैं फिर ऐसे होता है, अगले पर खराब होते हैं उसके। बाहर आए एक्साइटमेंट लेवल इस तरह, जिसका अच्छा हो गया वो तो भंगड़े डालता है, बाहर आएगा। जिसका हो गया थोड़ा सा खराब, उसका चेहरा होगा नीचे, और इसके अच्छे वाले का ना वो चेहरा नीचे वाले का देख लेगा, उसको लगेगा ये मेरा टारगेट मिल गया, मेरे को मेरा टारगेट मिल गया ना, और भाई अरे बहुत बढ़िया यार। ये इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया? उसका और खत्म कर दिया काम उसका और खत्म कर दिया सर। और आप क्या हो, आप पहले ही डिमोरलाइज हो, आप खत्म हो चुके हो। आपने बोला हाँ अरे यार ये तो यार मेरे को तो लग रहा है अगले 6 महीने आएंगे मेरे। अब सर मैं आपको मैंने कहा था कि जिस टाइम मैं पेपर देकर आया डीटी का पेपर देकर आया, अर्जुन जिसको मेरे 2 से 8 हमसे पास नहीं हो रहा सर, उसको डीटी का मैं मास्टर बोलता था। हर डाउट मैंने अर्जुन दोस्त से लिया अपने, हर डाउट मैंने उसको 8 अटेम्प्ट हो चुके हैं। रीजन पता क्या था? डीटी का पेपर वो भी दे के आया, मैं भी दे के आया, दोनों डीटी का पेपर देकर आए। 84 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया था बस। 16 नंबर का कोई पेपर लेंदी होता है सर सीए फाइनल के, डीटी के पेपर में पूछ लेना आप जो सीए बने। 50 नंबर ले लेना एक बहुत बड़ा अपने आप में तोप है, क्योंकि 3000 पेज की बुक होती है, 3000 पेज की बुक है, रिवाइज करनी है सारी के सारी बुक। तो मेरे को यह था कि 50 नंबर आ गए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने तो आर्टिकल शिप की, उसको डीटी पूरी रटी हुई थी, सेक्शन विद नंबर। जब उसे डाउट पूछते थे ना, आप में से बहुत सारे दोस्त होंगे, एक दो से डरते होंगे, उसको सारा कुछ याद होता होगा, ऐसा लगता होगा विद सेक्शन नंबर ऐसे बोल देगा आपको, भाई साहब मेरे को तो कुछ नहीं आता यार, मैं तो गया भाई। हमें ये फीलिंग आती थी अर्जुन को देख के कि भाई इसको तो ये तो चल, हम ही सोचते चल कोई बात नहीं, एक्सेप्शन है, एक ही तो बच्चा है ना, कोई बात नहीं ले देगा, अच्छा हम तो 50 लेने हैं, हम तो 50 का लेके चलते, भाई अपना बेस्ट देना, 50 आ जाएंगे हमारे, कोई बात नहीं। डाउट लेते थे, डाउट का रिप्लाई करता था, चलो जी भाई, ये था कि इसके डीटी में आएंगे अच्छे। पेपर हुआ डीटी का पेपर, 4 पेपर अच्छे हो गए फाइनल के, इसमें था कि ग्रुप तो निकल जाएगा, 4 में कॉन्फिडेंस, देखो बच्चे को ना सर अपने कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम देते ही, मेरा मानना तो ये है, चाहे वो टीचर से पूछे ना पूछे, दिल बोल देता है कि पास है या फेल है, इतना कॉन्फिडेंस आदमी होता है, ठीक है। अब 4 पेपर दिए, क्लियर समझ में आ गया पास है, अपना 5 पेपर दिया वो भी क्लियर था, छठा आ गया डीटी का, छठा नहीं इसका था, 7वां डीटी का आ गया, डीटी का आया, डीटी का दिख रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस ये था कि मैं पास हो जाऊंगा, बस एक मुझे अब दिख रहा था कि 2 अक्षर जोड़ने हैं नाम के आगे सीए, कब जुड़ जाएंगे, जब 8वां पेपर थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा। और मुझे पूरा दिख रहा था कि बस सीए बन जाऊंगा, क्योंकि पेपर मेरे सही लेवल पे जा रहे थे, पेपर से बाहर डीटी का, और पूरी उम्मीद थी अर्जुन ने बीच में कलाकारी करनी है, क्योंकि सबको उसका होता है ना कि जिसका पेपर होता है उसने पता ही, वो बच्चे देखता है अब किसे पूछूं। पेपर से बाहर आए अर्जुन और हमारा एक ही था पीतमपुरा में, रोहिणी में रहते मेरे दोस्त, तो वहां पर हमारा बना, बाहर आया कहता और भाई विवेक, मैं कह ठीक ठीक हो गया, चल अब एक रह गया यार, उसकी तैयारी करते हैं और फिर आराम से कहीं घूमने निकलते हैं। हमने नॉर्मल बहुत बात करी, क्योंकि मेरा आज तक था मैंने कभी पेपर डिस्कस नहीं किए,
कह रहा अच्छा एक क्वेश्चन तो डिस्कस कर लेते हैं। मैं कहा नहीं नहीं भाई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, पता है देख मैंने आज तक कभी डिस्कस नहीं किया। कह रहा चला वैसे एक बार ऐसे बता दे इसका आंसर क्या निकला। मैंने कहा नहीं अच्छा इतने प्रेशर करने के बाद ना अब बच्चा ही परेशान हो जाता है। मैं कहा चल इसका आंसर तो मेरा ये देखिए यार आंसर मैं लिख लेता था कि आंसर आया। कह रहा भाई आंसर ये आना था 16 नंबर का क्वेश्चन। अब मेरे हवा टाइट हो गई क्यों अर्जुन सही है माइंड में तो इतना अर्जुन सही है उसको सारा याद था। मैंने कहा लो भाई 16 नंबर गए 84 में 16 घटा दो जी 84 में 16 घटा के कुछ 70 के मार्क्स जो भी आ गए 70 मार्क्स का हो गया अब तो। अच्छा फिर एक मैंने कहा यार मेरा गलत हो गया अर्जुन यार तूने यार क्या कर दिया ये वो बोला खराब हो जाता है दिमाग खराब हो जाता है। कह रहा अच्छा तेरा गलत हो गया एक और डिस्कस कर ले फिर भाई इसका आंसर क्या है। अब मेरे को भी मैं भी खुल गया मैं कहा अब तो फेल ही हो गया यार कोई बात नहीं 6 महीने दिख कर ले जो करना है। एक और डिस्कस किया आंसर उसका अलग मेरा अलग जल्दी 16 क्वेश्चन और गए क्योंकि हमारे मैंने कहा अब हो गया काम देख 50 नंबर 70 में 16 गए 54 में से 50 आना इतना भी इंटेलिजेंट मैं नहीं हूं भाई कि मेरे तो आएंगे क्योंकि मुझे उम्मीद क्या थी वो सही है। घर आ गया प्रेशर मम्मा ने पूछा मैं क्या हुआ ये वो तो मैंने फोन बुलाया कालरा सर को आशीष कालरा सर मैं कोचिंग मतलब उनसे आईपीसी की ली थी। मैंने कहा सर ऐसे पेपर खराब हो गया सर 54 नंबर का हुआ है। कह रहे 54 का हुआ है या 54 का तूने कैसे निकाला है। मैं कहा सर किया मैंने 84 का अर्जुन से दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं दोनों का आंसर मेरा गलत है मतलब गलत है मैंने ये बोला गलत है जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं गलत है मेरा आंसर भाई दोनों का आंसर मेरा गलत है। कह रहे गलत मतलब मैं कहा सर उसका आंसर लग है मेरा आंसर लग है तो उसका सही होगा उसको डीटी अच्छी सर कहते क्या तेरे को कैसे पता उसका सही है। अब मैं भी मैंने कहा बात तो सही है कि भाई उसके कौन सा आंसर उसने निकाली है। मैंने कहा नहीं सर बट उसको ना डीटी पूरे उसने तू मैं को तेरे पर विश्वास है तू मेहनत कर कितना एक पर पढ़ा था अपना दिमाग मत खराब कर ऐसे कि तेरे 5 पर इतने बढ़िया गए हैं तू सही ट्रैक पे जा रहा है तू मत सोच कि 2-3 क्वेश्चन गलत है तो हमने तैयारी कर। सर ने काफी कॉन्फिडेंस मतलब मोटिवेशन दिया ये वो दिया चल फिर उसके बाद मैं भगवान के अपना मंदिर के अंदर बैठा भाई थोड़ा शांत मिले कम दिल शांत होना सर बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए भाई भगवान से प्रे कि भाई जो भी है ये भैया पेपर उन्होंने वो पेपर फाड़ा नहीं नोट पेपर फाड़ देता हूँ ये पेपर है जी मेरा अब ये आपके है कि मुझे नहीं पता मैंने अपना बेस्ट दिया 2 क्वेश्चन सही है गलत आपके ऊपर है अपना मैंने आईडीटी की तैयारी की वो अच्छा गया मुझे तो उम्मीद थी पास हो जाएगा रिजल्ट का। अब 1.5 महीने जब एक पता लग जाए ना कि 1.5 महीना सर निकालना बहुत मुश्किल है अगर आपको एक पेपर खराब हो जाए 1.5 महीना मेरा जीना हराम हो गया कि कब रिजल्ट आएगा कि पता लगेगा मैं हूं या नहीं पढ़ू या ना पढ़ू कंफ्यूजन हो गया ना पढ़ू या ना पढ़ू फर्स्ट में तो पक्का था कि फर्स्ट तो पढ़ना ही नहीं है मेन डीटी का पंगा पड़ गया कि अब मुझे सेकंड ना पढ़ना पड़ जाए बस और फिर उससे बड़ा पंगा मम्मी क्या बोलेगी पंडित ने बोला था ये देख अब ये सर्कल स्टार्ट हो गया तेरा ये सेकंड ग्रुप वाला अब ये दिक्कत में कोई है घुस गई दिमाग में। मैंने कहा यार भगवान बस ये मेरे को ना सुनने को मिल जाए कि उसने बोला था। जिस दिन रिजल्ट आया आपको बताया इंटरनेट का काम डाउन होता सर्वर 2 बजे सीए फाइनल का पूछना 2 बजे रिजल्ट आता सीए फाइनल का 2 बजे का टाइम है स्टार्टिंग से अनाउंसमेंट आके 2 बजे रिजल्ट है। मैं अपने कुरुक्षेत्र में था दुकान के ऊपर बैठा था मेरे फादर की दुकान ये है और एक सामने दुकान है हैंडलूम की मैं सामने वाली इधर इस दुकान पर था पापा इस दुकान पर थे 10:30 बजे का टाइम है मेरे को पक्का याद है 10:30 बजे का टाइम है मैं अपना लैपटॉप लेके गया था क्योंकि मेरे को पता दुकान पे बैठना है रिजल्ट वहीं देख लूंगा 10:30 बजे का टाइम है कस्टमर आया मेरे पास कस्टमर अपना बेडशीट देखने के लिए आया क्योंकि उस टाइम दुकान पे रेट रूट पता होते थे हमें तो कस्टमर आया बेडशीट देखने अच्छा मेरा दिमाग खराब रिजल्ट आना है कह रहा भैया बेडशीट और बढ़िया दिखाओ मैं है नहीं बेडशीट अब मेरे को यार रिजल्ट मेरा आने वाला है बेडशीट और बढ़िया दिखाओ ये दिखाओ अच्छा पापा मेरे को सामने देख रहे भाई पैनिक होके बोल रहा है क्या हो गया विवेक को तो आई फाउंड आउट कह रहे क्या हो गया मैं पर रिजल्ट आने कह रहे बेडशीट और बढ़िया दिखाओ कह रहे उधर ऐसा कर तू साइड होके बैठ मैं दिखाता हूँ बेडशीट चलो ये अपना बेडशीट दिखाते रहे दोस्त का मैसेज आ गया एक मेरी फ्रेंड है थी नेहा उसका मैसेज आ गया विवेक सीए बन गया 10:30 बजे मैंने कहा भाई क्या भाई अभी 2 नहीं बजे 10:30 मैसेज का सीए बन गया मैं रिजल्ट आ गया विवेक अच्छा पहले तो मैंने बताया नहीं पापा पास खड़े थे मैं और पता लगे यही फेल फूल सर दिमाग खराब हो जाता है तो फेल हो गए तो दिमाग खराब हो जाएगा बिना बात पापा का और मेरा भी तो मैंने कहा पहले बेडशीट का काम निबेड़ने दो इनको बेडशीट दी और पापा चले गए सामने मैंने अपना अपना लैपटॉप खोला स्टार्ट किया अच्छा भाई साहब जिस टाइम पास अपना रिजल्ट खोलो आपको पता धीरे धीरे खुलता है आधा घंटा पहले घूमेगा वो और धड़कन तेज करेगा पूरा भाई जब तक बंदा मर पूरा सुसाइड वाला काम ना हो जाए ना जब तक वो खुलता नहीं है पूरी तसल्ली करता है पूरी भाई एक आदमी को जिसको दिल की बीमारी हो ना वो तो बंदा उसने खत्म है या तो वो खुद ना देखे ठीक है अब ऐसे घूम रहा है पहले तो आ रहा धीरे धीरे खुल रहा अब पहले में आ गया पास चलो पहला पास हो गया पहला उम्मीद भी थे पास हो सेकंड में मैंने मार्क्स देखे सेकंड में देखा पास भाई साहब मेरे को जो सर उस टाइम फीलिंग हुई ना और फिर मैंने डीटी के अंदर नंबर देखे 78 मार्क्स 84 में से तब मैं उस टाइम समझ गया उस टाइम चलो मेरे को ये था उस टाइम समझ गया भाई है लैपटॉप लेके गया हूँ सर लैपटॉप लेके गया हूँ मुझे नहीं पता बीच में रोड है रोड थी बीच में लैपटॉप लेके गया हूं और उधर से बाइक आ जा रही है बाइक वाले टक्कर मार रही है लैपटॉप लेके गिर गया हूं फिर खड़ा हो गया मुझे नहीं पता पापा सीए बन गया
और जो वो फीलिंग थी लाइफ में आज तक कभी दोबारा नहीं आई सर। और वो दोनों कहा भाई भगवान का अपना मंदिर है, वहां रखो अपना लैपटॉप, और वो फीलिंग लाइफ में कभी दोबारा नहीं मिली। मैं वही कहता हूँ कि वो फीलिंग देने के लिए आदमी तरसता है। तो मैं कहता हूँ कि जिस टाइम आप हार्डवर्क करते हो ना, बहुत बड़ा मैटर है। और मैं घर गया उस टाइम सर मैंने मम्मा को ये बात बोली कि आज तक आप बोलते थे कि मैं सीए नहीं बन सकता, मतलब पंडित की उन्होंने बता दिया, उस पंडित ने बोला। मैं कहा आज कहीं नहीं जब भगवान के जाएंगे, पहले पंडित के चलो, पहले उसका भूत उतारता हूं मैं। पंडित के मैं गया, मैंने कहा मैंने ये नहीं बोला मैं सीए करनी है, मैंने ये नहीं बोला सीए करनी है, वो सॉरी सीए बन गया हूं मैं आज। मैंने कहा सर सीए करनी है, वो एक बार बताओ सर कैसे, कोई उपाय बताओ। कह रही आपकी मम्मी पहले ही बहुत बार आ चुकी है, आपकी लाइफ में सीए है ही नहीं। मैं कहा सर ये मेरा रिजल्ट है और मैं सीए बन जाऊं। देन ही वाज शॉक कि हो क्या गया, और तीन चार लोग और बैठे थे, वो कह रहे अब वो भी देख रहे ये कौन आ गया नलायक। मैंने उस टाइम समझ गया इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। सर वही बात है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट कितना करते हो, अपने माइंड को। सर मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया लाइफ में, ऐसा नहीं है कि मैं इंटेलिजेंट था, कुछ भी नहीं था सर। 9वीं 10वीं तक घिस घिस के पास हुए, 11वीं 12वीं में अपना ठीक था जुगाड़, मतलब नॉर्मल था। ऐसा नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट ऊपर से भगवान ने वो कोई करी, और हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे स्टार्टिंग से, बट फिर भी एक था ट्रिगर था कि करके दिखाना है। वही आपके एक छोटी सी चिंगारी होती है सर, एक छोटी सी आपके अंदर आग होती है, चाहे जितनी मर्जी, चाहे मैं आपको मोटिवेशन दूंगा, ये मोटिवेशन कितने मिनट काम करेगा, 15 मिनट, फिर आपने बाहर आके वैसे हो जाना है। मेन सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर कितना है, बहुत बड़ा मैटर है। बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने कहा ना पटेल करके अंदर बच्चे मेरे पास जैसे मोबाइल में कई बार फोटो खींच के आते हैं, डाउट लेके आते हैं, उनके उसमें वीडियोस होते हैं संदीप महेश्वरी सर की, मोटिवेशन लेक्चर आ रहे हैं वो। मैं कह रहा हूँ सर जितनी मर्जी वीडियो डाउनलोड कर लो, मोटिवेशन 20 मिनट का ही आना है, 25 मिनट से ऊपर नहीं आना, फिर आपने वैसे हो जाना है। जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, बात खत्म है। आप खुद इमेजिन कभी सोचा करो, आधे घंटे की वीडियो देखकर आपने अपने आप को आधा घंटा मोटिवेट किया, आपने क्या किया भाई? आधा घंटा टाइम वेस्ट किया फिर आपने भाई? या तो आधे घंटे की वीडियो पूरा दिन चार्ज अप होता है, या 2 दिन चार्ज अप होते हैं, फिर बात अलग है। जब सेल्फ मोटिवेशन नहीं आपके अंदर है तो लाइफ में आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि मोटिवेशन काम नहीं करता किसी का, मोटिवेशन काम करता है, बट उसको आप पॉजिटिव कब तक लेके चलते हो आपके ऊपर है भाई। यहां मोटिव आप तो जैसे मान लो हम जैन सर की कोचिंग लेते थे ना, तो वो ऐसा कर देते थे जैन सर की, और एक मैंने एक लेक्चर लिया है हमारे पीएस, अपना पीएस राठौर सर है एक सर, वो ऐसा मोटिवेट करते थे, यहां पे आग चलाते थे आग, और आग के ऊपर बंदा चलता था, उसको पता लगता आग के ऊपर चल रहा है। यस, आप कभी उनके पीएस राठौर सर के कभी लेक्चर देखना, वो इतना मोटिवेट कर देते थे कि आग के ऊपर चलवाते थे आग के ऊपर, और चल रहा है उसको पता नहीं आग के ऊपर चल रहा है वो। ऐसे मोटिवेशन भी होते हैं। उस टाइम चार्जों पर कहते थे जैन सर की क्लास के बाद, भाई आज तो पूरा देश ही ला देंगे, और घर आते अरे यार कल कर लेंगे। मेन क्या कि वही है ना कि आप कितना अपने अंदर लेके चलते हो, ये चीज है कि आप कितना, यही कह रहा हूं दिसंबर एग्जाम वाले 1.5 महीना आपके पास बैलेंस है। जैसे आज हमारी लास्ट क्लास है, अब कल से आपको आना नहीं, या परसों से आप कल से, जैसे हमारे नॉर्मल एमडब्ल्यूएफ में क्लास होती थी ना, देखो तो पढ़ने की दो चीजें होती है। अब क्लास होती थी, आप डेली उठते थे 5:30 उठते थे ना, 6 बजे उठते थे आने के लिए। आप अब कल से देखो ना उठोगे नहीं उठोगे, कल आप उठोगे 9 बजे, पूरा क्लास का टाइम निकाल दिया, फायदा क्या हुआ? इट मीन्स आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है ना। आप ये सोचो कि मेरी क्लास चल रही है, या अगर आपको लेट उठना है तो आप रात को पढ़ो फिर भाई, कहीं तो टाइम यूज करो ना। पूरा पूरा 10-10 घंटे सोने में निकाल देते हो, जिंदगी जी रहे हो, सोने के लिए आए हो यहां पे भाई। एक सिंपल सी बात है, सोने के लिए आए हो तो फिर सोए रहो, फिर पैसा कमा के एंजॉय नहीं होगा लाइफ में सर, पूरी जिंदगी लग रहा होगी गधों की तरह। अगर ड्रीम जीने हैं, गाड़ियां लेनी है, रहना है, पूरी इंडिया घूमना है, पूरा वर्ल्ड भी घूमना है, उसके लिए चाहिए पैसा, और पैसा तब आएगा ना मेहनत करोगे अभी, नहीं तो फिर वही होता है। लड़कियों के साथ क्या होता है, शादी हो जाती है, लड़कों के साथ क्या होगा, फिर क्विट कर दी या कहीं जॉब कर ली 20,000 महीना। अगर 20,000 महीना जो भी करनी थी, फिर 3 साल क्यों घिसाए हैं, फिर तो 20,000 अभी लग जाओगे आप। 20,000 कोई बड़ी बात थोड़ा है, 20,000 तो भी लग जाओगे, बीकॉम के बाद 20,000 की लग जाती है, फिर सीएस के बाद भी 20,000 की लगेगी। और लड़कियों के घर में प्रेशर आ गया, शादी कर शादी कर शादी कर, तो पता है कि ये चीजें होनी है, तो क्यों ना अभी सही डायरेक्शन में काम किया जाए। दोस्त सर जिंदगी बन जाते हैं दोस्त, आर मैं सीए बनाऊ ना, आर लोग आते हैं पीछे, और मेरे को मैं अपने को फिर कई लोग सर, मैं तो कहता हूं मुझे किसी की अप्रिशिएट की जरूरत नहीं है, अपने को खुद अप्रिशिएट कर लो कि विवेक तूने बहुत अच्छा काम किया। अगर उस टाइम सीए बन गया ना तभी आज आ रहे ना, अगर उस टाइम बना होता, आज मान लो 26 साल की एज है, 26 साल में लोग सीए कर रहे होते हैं, और 6 साल के हो चुके हैं मेरे को, और मैंने हार्डवर्क किया तो मैं यहां तक पहुंच गया। अगर वही मैं उस टाइम कर रहा होता तो आज यही होता, बस 26 साल के मैं यहां थोड़ा बैठा होता, फिर आपके साथ कहीं कोचिंग ले रहा होता, पढ़ रहा होता, कहीं जॉब कर रहा, 20,000 क्या कर रहा था।
और फिर पूरी जिंदगी लगा रहता, और फिर होती ना होती, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, एक बार अगर सर्कल घूम गया तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अभी भी अगर जिनका एक दो बार हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप मेन है कि अब न्यू करियर कैसे स्टार्ट करते हो। क्योंकि जो फेलियर है उनके मन में क्या चल रहा होता है, सर दोबारा बुक्स कैसे उठाऊं सर। और जिनका पहला अटेम्प्ट है उनकी तो फ्रेश एनर्जी है ना, वो उससे पढ़ रहे हैं, फेलियर क्या सोच रहे हैं, दोबारा कैसे उठाऊंगा, वो फिर यही सोचते रहेंगे, फिर फ्रेश वाले निकल जाएंगे, फेलियर फिर फेल होता रहेगा। तो पहले फेलियर को भूलना पड़ेगा आपको कि मैं फेल हुआ था कभी, उसको भूल जाओ, ये सोचो कि मेरा अब अटेम्प्ट यही है, बस ये मुझे निकालना है। अगर ये लेके चलोगे तो निकाल दोगे, नहीं तो यही सोचो कि मैं फेल हो चुका हूं, तो भैया फिर फेल तो हो चुके हो, फिर फ्रेश वाले फिर पास होंगे, फिर तुमने दोबारा ही फेल होना है। तो मैंने ये कि आपने आपको कैसे काम करते हो, ठीक है, ज्यादा सेंटी हो गया, चलो वापिस आ रहा हूं जी। चलो चैप्टर कर रहे थे हम ट्रस्ट का, याद है कुछ, कहां से कहां पहुंच गए यार, मैं भी भावनाओं के अंदर बह जाता हूं बहुत बार, मैं तभी स्टार्ट नहीं करता कई बार, क्योंकि मेरे को सर बिलीव मी, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मेरा पढ़ाने का मोटिव आज तक कभी पैसा कमाना नहीं रहा, चाहे पैसा, देखो पैसा आना ही आना है सर, बैस लेता हूं, बच्चे आएंगे फीस देंगे, पैसा आना ही आना है। एक मोटिव होता कि कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि जॉब का जिसमें ऑफर, जिस टाइम मैं किया था जॉब का बहुत अच्छा ऑफर था, जॉब का अच्छा ऑफर था और जॉब में जाता, बट मेरा स्टार्टिंग से क्या था कि मुझे जॉब में जाना, मैं जॉब कर ही नहीं सकता मेरे, क्योंकि मेरे दो ही पैशन है, मैंने पटेल नगर के दो ही पैशन है सर मेरे, एक तो टीचिंग और एक डांस। डांस की फील्ड में जा नहीं सकते थे क्योंकि वहां पहले ही बहुत है, हमने क्या कलाकार नहीं करी थी वहां पे, कि अभी भी ऐसा नहीं, डांस पैशन खत्म हो गया सर, अभी भी मेरे अंदर ऐसा, देखो कीड़ा आदमी के दो अंदर दो तरह का होता है, अगर मेरे को है ना कि मैं डीमोटिवेट होता हूं तो मेरा काम कुछ नहीं है, चाहे बंद कमरे में लैपटॉप के मैं अकेला डांस कर लेता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि कौन मुझे देख रहा है। और मैंने ऑलवेज ये बात सीखी है, जैसे मेट्रो में आता हूं, अब कल परसों की बात है, मेट्रो में दो तीन बच्चे, सर आप मेट्रो में आते जाते हो, मैंने कहा नहीं हवाई जहाज ले लूं यहां से मैम, भाई ठीक है, बच्चा कहता है इतने बच्चे आप लेके बैठे हो, गाड़ी ले लो, मेरे को सर इतना नहीं है, अपनी लाइफ नॉर्मल जीनी है, क्या हो गया भाई, लाइफ तो नॉर्मल इंसान जिए ना, ये थोड़ा कि आप यहां लेवल तक पहुंच गए तो आप 30 मार खान पहुंच गए, क्या हो गया उससे भाई, किस बात की ईगो, यहीं पे रहना है, सब कुछ चले जाना है। मेन तो है कि अपना लाइफ बढ़िया तरीके से जीते रहो, पॉजिटिव वे में, और जितनों का भला हो सकता है भला करते रहो। अब मान लो मैं यूट्यूब पे लगा हुआ हूं, क्योंकि सर देखो अगर मैं चाहता तो ये लेक्चर मेरे रिकॉर्ड हो रहे, ये भी डाल सकता था फटाफट रिविजन करके 15 मिनट की, बट मेक हुआ कि अगर मैं वहां पर करूंगा, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई रूम में नहीं बैठा तो आप अपना बेस्ट दे सकते हो, और मेरे को ये लगता है कि चलो मान लो एक बच्चे को भी अगर मेरी बात लग जाती है तो कम से कम एक को तो लगी, 99 नेगेटिव है, एक तो पॉजिटिव है, और अगर एक की भी लाइफ बन गई तो बहुत बड़ी बात है, कम से कम उसके दिल से तो दुआ निकल गई, चलो भाई अच्छा काम किया है। तो मेन सर हर चीज के लिए पैसा कभी मायने रखता, हर चीज के लिए कभी लोगों की दुआएं और कभी पॉजिटिव ऐसी बहुत मायने रखती, कि आपने किसनों की जिंदगी सुधारी है, ठीक है जी। आदमी तो सर सिंपल सी बात है, मैं तो ऑलवेज ये बात कहता हूं, आदमी तो अगर यहां पे है तो पैसा अपने आप आ जाएगा सर, पैसे के पीछे नहीं है, आप सीएस बन जाओगे पैसा आना ही है, बट आप जिस टाइम पैसा कमा रहे हो उसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हो। मैं ऑलवेज ये बात करता हूँ कि जिस दिन कुछ बन जाओ लाइफ में, मुझे क्रेडिट चाहे देना या मत देना, मुझे क्रेडिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, किसी के लिए अच्छा कर दोगे वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर अच्छा कर दोगे तो सही रहेगा, नहीं अच्छा करोगे तो दुनिया ऐसा अच्छा करने वाले, मैं कह रहा हूँ वॉरेन बफेट 99% प्रॉपर्टी, तभी तो मुझे नाम पता है, नाम पता है ना, नाम याद रखा है ना, 99% वो डोनेट कर रहे हैं, अब लोग तो डोनेट करने वाले कोई भी है, बट 99% प्रॉपर्टी डोनेट करका 1% अपने पास रखना, ये बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। लोग पूछते हैं ना डोनेट क्यों करते होंगे सर, कौन पैसा देगा मंदिरों को, मिलता क्या होगा, सर मिलता कुछ नहीं है, सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। जैसे मैं यहां पर अभी कल परसों की बात है, हम घूमने यार थे दोस्त, मैं घूमने निकल गया सैटरडे को रात, एक छोटा सा बच्चा, मतलब आते हैं ना हम रेड लाइट पे आते हैं, वो ना अपना विंडो खड़काने लग गया, पैसे दे दो। मैंने कहा क्या खाएगा भाई, खाना क्या खाएगा, उसने कहा भैया पैटीज खिला दो, वो सामने पैटीज की दुकान थी, मैं कहा चल पैटीज, अच्छा पैटीज खाई, मैं कहा और एक और पैटी भैया, एक और पैटी खा ले, मैंने कहा और भैया कोल्ड ड्रिंक, अच्छा उसके चेहरे से स्माइल निकली ना, सेटिस्फेक्शन लगी कि चलो कुछ हार अच्छा किया है, वही 30 रुपए दे देता, 30 रुपए देने की बात, 30 रुपए दे देता कहां यूज करता सर, इनका पूरा गैंग है, 30 रुपए उसके हाथ में आते ही ना उसके घर वाले ले जाते, उसके 30 रुपए पेट में तो गए भाई। सिंपल सी बात, तूने क्या खाना है, चाहे तो 100 रुपए का बैठ के खा ले भाई, 100 रुपए दूंगा नहीं बट, क्योंकि 100 रुपए दिए या तो नशे की लत लग जानी है, बहुत सारे देखो छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे होते हैं, नशा कर, तो मैं बद्दुआ क्यों लूं उसके घर वालों की भाई, उसके घर वालों ने क्या मन में जाएगा, ये नशा करता है, और किसने पैसा दिया, मैंने कहीं ना कहीं लग गई ना मुझे। तो सिंपल बता, खाना है क्या खाना है बता, ये चीज है खा ले, तेरा पेट भर गया ना 30 में, तूने चल खुश हो गया, हाँ भैया पेट भर गया भैया, तो इट मीन्स बात खत्म, चल अपना एंजॉय कर, हम भी निकलते, पेट तो भर गया ना, ये 30 रुपए देता पता नहीं कहां लाके वो करता। मेन चीज ये है कि आप
लाइफ किस में जीते हो ये आपके ऊपर है सर, बहुत बड़ा मेन तो आपके हाथ में होता है, किसी के हाथ में आपकी लाइफ नहीं है। चलो इधर देखो ध्यान से, अरे आप सुनना ध्यान से, अब यहां पर चाहे टेबल टेस्ट की बात कर रहा था नहीं मैं अब वापिस आ रहा हूं।